हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सैफ्रन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी, उसमें आगे पाठ नंबर 7 कागज ने दिया सबक। तो हमारा पाठ 7 क्या है? तो पाठ 7 का शीर्षक है हमारा कि कागज ने दिया सबक। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कागज़ की बर्बादी करता था। इस कहानी में हमें क्या बताया गया है बच्चों? इस कहानी में हमें एक ऐसे लड़के की कहानी बताई गई है जो हमेशा जो हमारे कागज़ होते हैं उसकी बर्बादी करता रहता था। उसकी आदत में सुधार तब आया जब कागज़ ने खुद उसे अच्छा सबक सिखाया। इसमें क्या कहा गया है कि उसकी जो पूरी आदत थी कागज़ की बर्बादी करने की, उसे सुधार कब आया? तो उसमें सुधार तब आया जब कागज़ ने खुद ही उसे अच्छा सबक सिखाया, तब उसकी ये आदत थी उसमें थोड़ा सुधार आया, ऐसा इस कहानी में हमें बताया गया है। अदीस 8 साल का लड़का था। इस कहानी में जो लड़का है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था अदीस। और वो कितने साल का था? तो वो 8 साल का था। तो अदीस 8 साल का था, तो जो अदीस नाम का लड़का है वो 8 साल का था। वह तीसरी कक्षा का विद्यार्थी था। वो कौन सी कक्षा का विद्यार्थी था? तो ये वह तीसरी कक्षा का विद्यार्थी था। वह कागज़ की बहुत बर्बादी करता था। वो क्या करता था? तो वो जो कागज़ होता है उसकी बहुत बर्बादी, यानी कि उसकी बहुत तबाही, यहाँ बर्बादी का अर्थ होगा कि तबाही, वो जो कागज़ की हमेशा बर्बादी यानी कि तबाही करता रहता था। जब चाहे कागज़ को फाड़ता और इधर उधर गिरा देता। वो क्या करता हमेशा? तो जब चाहे वो कागज़ों को फाड़ता रहता और इधर उधर फेंकता रहता था। यदि उसकी लिखावट अच्छी न हो तो वह पूरे के पूरे पेज को ही नष्ट कर देता। वो क्या करता? तो जब वो लिखने बैठता और उसमें जो कुछ गलतियाँ आ जाए और उसकी लिखावट अगर अच्छी ना हो तो लिखावट मिटाने की बजाय वो क्या करता? तो वो पूरा का पूरा कागज़ है नष्ट, यानी नष्ट का यानी कि समाप्त। तो वो कब क्या करता? तो पूरा का पूरा कागज़ ही समाप्त कर देता था। वास्तव में उसे कागज़ की कोई कदर नहीं थी। वास्तव का अर्थ होगा यहाँ पर कि सचमुच उसे कागज़ की कोई कदर नहीं थी। उसके माता पिता और बड़ा भाई बहुत समझाते। क्या थे? तो उसके घर में कौन कौन था? और तो उसके माता पिता थे और उसका एक बड़ा भाई था। वो भी क्या करते थे? वो हमेशा उसे समझाते रहते थे। वह उनसे वादा करता परंतु अगले दिन ही फिर वही काम करता। क्या करता? उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई जब उसे समझाते तो उससे उनको वो वादा करता कि वो आगे सब कागज़ नहीं फाड़ेगा, परंतु अगले दिन वो क्या फिर से वही काम करने लगता था। एक दिन की बात है। क्या है? तो एक दिन की बात है, छात्रों को घर से सुलेख लिख कर लाने को कहा। क्या कहा गया? तो एक दिन की बात है कि उसके जब स्कूल में जो स्कूल थी जो विद्यालय था उसमें क्या होता है, तो उसके जो छात्र थे उनको सुलेख का अर्थ होगा यहाँ पर के सुंदर लेखन, यानी कि उनको क्या कहा गया कि सभी छात्रों को क्या कहा गया, आपको सबको घर से सुंदर लेखन लिखकर लाने को कहा गया। वह दो पंक्तियाँ लिखता। वो क्या करता? तो वह दो पंक्तियाँ यानी कि दो लाइनें लिखता और लिखावट साफ न होने पर कागज़ को फाड़ डालता। वो क्या करता है कि जब वो सुंदर लिखने के लिए बैठा तो वो क्या करता? दो लाइनें लिखता और फिर जो दो लाइनें ठीक से ना आने, साफ लिखावट ना आने पर वो कागज़ को पूरा फाड़ डालता। इस तरह उसने 8-10 पेज फाड़ डाले। इस तरह उसने क्या किया? तो इस तरह उसने 8-10 पेज पूरे फाड़ डाले। जब माँ ने देखा कि पूरे कमरे में फटे हुए कागज़ ही कागज़ पड़े हैं, तो वो क्या, जब उसने 8-10 कागज़ फाड़ डाले तब उसकी माँ जो आती है वो कमरे में आकर देखती है, तो वो देखती है कि उनके पूरे कमरे में जो कागज़ ही कागज़ पड़े हैं। तो वह अदीस पर बरस पड़ी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ अदीस बरस पड़ना का अर्थ होगा यहाँ पर गुस्सा करना। वो क्या करती है? तो वो जब पूरे कमरे में कागज़ ही कागज़ देखती है तो वो अदीस पर बरस पड़ती है यानी कि गुस्सा करती है। बस फिर क्या था? अदीस रोने बिलखने लगा। अदीस क्या करता है? वो क्या करता है जब उसके की माँ ने उसे डांटा, जब गुस्सा किया, तो वो क्या करता है? रोने बिलखने यानी कि रोने के लगता है और रो रो कर के पूरा घर सिर पर उठा लिया। और रो रो कर क्या कर लिया? तो उसने बहुत शोर करके पूरा घर
उठा लेना यानी कि बहुत शोर करना, यानी कि वो क्या करता है कि रो बिरक कर यानी रो रो कर पूरा घर बहुत शोर कर कर वो अंत में सो जाता है, यानी कि वो बहुत शोर कर कर अंत में सो गया। रात को सपने में देखा कि उसने जो कागज़ फाड़े थे वे सब अचानक उठे। क्या देखा उसके उसने रात में सपने में, तो रात को सपने में यानी कि अपना सपना जो होता है उसमें क्या देखता है कि उसने जो कागज़ फाड़े थे वो सब अचानक खड़े हो गए और उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। और उन कागज़ों ने क्या किया, तो वो क्या सपने में देखता है कि जो उसने कागज़ फाड़े थे वो सब उसके सामने अचानक खड़े हो गए और उन्होंने उसके चारों ओर से उन्होंने उन्हें उसे घेर लिया। वह घबराया नहीं, क्या हुआ तो अधीश जो था वो घबराया नहीं और सपने बचाव में कहा कहने लगा और क्या करता है वो घबराता नहीं और कहने लगा अपने बचाव में यानी कि अपने पक्ष में कहने लगता है कि अरे तुम सब मेरी ओर इस तरह क्यों आ रहे हो। क्या कहता है उन कागज़ों को, अरे तुम सब मेरी ओर इस तरह क्यों आ रहे हो, जाओ यहाँ से। क्या कहता है कि अब तुम मेरी ओर क्यों आ रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। उन कागज़ों के बीच में से कुचला हुआ एक कागज आगे बढ़कर कहने लगा। उन कागज़ों में क्या था, तो उन कागज़ों में जो कुचला हुआ कागज़ था वो आगे आकर उसे कहने लगता है, अधीश देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। क्या कहता है कि अधीश तुम देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या कहता है वो कागज़ जो कुचला हुआ कागज़ था, वो आगे बढ़कर कहता है कि अधीश तुमने मेरा हाल क्या कर दिया है और मुझे कितना दर्द हो रहा है। अधीश उसे देखकर हंसा और बोला, अधीश क्या करता है उस कागज़ को देखता है और हंस पड़ता है और बोलता है अरे पिचकू। क्या कहता है कुचले हुए कागज़ को, तो वो कहता है कि अरे पिचकू अगर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। वो क्या कहता है कि अरे पिचकू तुम अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। तभी दूसरा फटा हुआ कागज़ अपनी व्यथा लेकर आगे बढ़ा। क्या हुआ तो इतना सब बोलता है तब दूसरा जो फटा हुआ कागज़ होता है वो अपनी व्यथा, व्यथा का अर्थ होगा यहाँ पर अपना दुखड़ा लेकर आगे बढ़ता है और कहता है तुमने मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले। क्या कहता है फटा हुआ कागज़ को अपना दुखड़ा कहते हुए कहता है कि तुमने तो मेरे टुकड़े टुकड़े ही कर डाले, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। क्या कहता है कागज़ जो फटा हुआ कागज़ था, उसने कहा कि तुमने तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले, मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा था। अधीश ने लापरवाही से हाथ हिलाया। अधीश क्या करता है तो अपना लापरवाही से हाथ हिलाता है। तभी वहाँ पड़ी हुई किताब चिल्लाई। तभी क्या होता है तो वहाँ जब मेज पर जो किताब पड़ी होती है वो चिल्लाई, देखो मेरे किनारे मोड़ कर तुमने मुझे भी कितना कष्ट पहुँचाया है। तो वो किताब क्या कहती है कि तुमने जो ये वो किताब चिल्ला कर कहती है कि देखो तुमने मेरे जो किनारे हैं जो मेरे किनारे हैं तो वो तुमने मोड़ दिए हैं और उससे मुझे कितना कष्ट यानी कि कितनी पीड़ा पहुंचाई है। अधीश उसकी हंसी उड़ाने लगा। अधीश क्या करता है तो अधीश उनकी हंसी उड़ाने लगता है। अच्छा तुम्हें भी कष्ट होता है। क्या कहता है अधीश कि अच्छा तुम लोगों को भी कष्ट होता है, आओ तुम्हें भी दवा लगा दूँ। क्या कहता है कि लाओ तुम्हें भी दवा लगा दूँ। अंत में एक बड़ा सा कागज़ जो सबका सरदार लग रहा था, अंत में क्या होता है यानी आखिर में क्या होता है, तो आखिर में उनका जो सबसे बड़ा कागज़ था जो सबका सरदार जैसा लग रहा था वो सामने आया। उसने ऊँची आवाज़ में कहा, वो क्या कहता है तो वो जोर से कहता है, अधीश हम सब ने अपना दुखड़ा तुम्हें सुनाया। क्या कहता है वो बड़ा कागज़, तो वो कहता है कि अधीश हम सब ने तो अपना दुखड़ा तुम्हें सुनाया, अब तुम हमारा निर्णय भी सुनो। क्या कहता है कि तुम अब हमारा निर्णय का अर्थ होगा यहाँ पर कि तुम अब हमारा फैसला भी सुनो, तुमने हमें तंग कर दिया है। क्या कहा है उन क्या कहते हैं कागज़ के सरदार, तो कहते हैं कि तुमने हम सबको तंग कर दिया है, इसलिए हम सब तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहे हैं। इसलिए हम सब क्या कर रहे हैं, तो इसलिए हम सब तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहे हैं। ऐसा कर कर सब चले गए। ऐसा कहकर सब क्या करते हैं, तो ऐसा कहकर सब अधीश से दूर चले जाते हैं। तभी अधीश को पापा की आवाज़ सुनाई दी। तभी क्या होता है, तो तभी अधीश को पापा की आवाज़ सुनाई देती है। वे उसे बुला रहे थे। वे क्या कर रहे थे, तो अधीश के जो पापा थे वो उसे बुला रहे थे, उसकी आवाज़ उनको सुनाई दी। वह सपने में ही पापा के पास पहुंचा।
अभी क्या है, तो अभी जो अदीज है वो सब सपने में देख रहा है, तो वो क्या करता है, तो सपने में ही वो पापा के पास पहुंचता है, तो देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई है। तो वो क्या देखता है अदीज, तो वो देखता है कि माँ उसके बिस्तर पर लेटी है। पापा ने अलमारी से कुछ रुपये निकाल कर अदीज को देते हुए कहा। पापा क्या करते हैं, तो उसके जो पापा है वो अलमारी से कुछ पैसे निकाल कर अदीज को देते हुए कहते हैं, तुम डॉक्टर के पास जाओ। क्या कहते हैं कि अदीज, तुम डॉक्टर के पास जल्दी जाओ, उन्हें बताना कि माँ को 103 डिग्री बुखार है। उन्हें क्या बताना कि उन्हें बताना कि तुम्हारी जो माँ है उसको 103 डिग्री बुखार है और उल्टियाँ भी हो रही है। और क्या हो रहा है, तो उनको उल्टियाँ भी हो रही है, तब वे दवा का नाम लिख कर देंगे। क्या करेंगे डॉक्टर, तब वो उन्हें दवा का नाम लिख कर तुम्हें देंगे। तुम दवा खरीद कर जल्दी लौट आना। तुम क्या करना, तो वो जब तुम्हें नाम लिख कर दे, दवा का नाम लिख कर दे, तो तुम वो दवा खरीद कर जल्दी से लौट आना, यानी कि जल्दी वापस कर आना। अदीस भाग कर डॉक्टर के पास गया। अदीस क्या करता है, तो अदीस भागता है और डॉक्टर के पास जा पहुँचता है। डॉक्टर साहब ने कागज़ पर दवा का नाम लिख दिया। डॉक्टर क्या करता है, तो डॉक्टर साहब कागज़ पर दवा का जो नाम था वो लिख कर देते हैं। वह दौड़कर केमिस्ट का अर्थ होगा यहाँ पर कि दवा बेचने वाले की दुकान। तो वो क्या करता है, वो दौड़कर केमिस्ट की दुकान पर जा पहुँचता है, जो दवाई बेचता है उसकी दुकान पर जा पहुँचता है, और वहाँ दवा का पर्चा देने के लिए जेब में हाथ डाला, और वहाँ पहुँचकर क्या करता है, जो दवा का पर्चा लिख कर दिया था डॉक्टर ने, वो लेने के लिए जेब में अपने हाथ डालता है। पर यह क्या, जेब में पर्चा ही नहीं था। पर क्या देखता है वो, कि उसकी जेब में जो दवाई का पर्चा उसने रखा हुआ था वो तो जेब में था ही नहीं। वह बेचैन हो गया। वो क्या हो जाता है, तो वो बेचैन हो जाता है, वो घबरा जाता है। उसने तुरंत दूसरी जेब टटोली। वो क्या करता है, तो अपनी एक जेब से दूसरी जेब को टटोली, यानी कि अपनी दूसरी जेब को भी देखता है, परंतु वहाँ भी रुपये गायब हो चुके थे, पर उसकी दूसरी जो जेब में पैसे रखे हुए थे वो भी वहाँ पर नहीं थे, वहाँ से गायब हो चुके थे। सचमुच कागज उसकी दुनिया से तंग आकर जा चुके थे। क्या हो गया था, तो सचमुच कागज जो थे वो उससे तंग आकर उसकी दुनिया से जा चुके थे। वह रोने लगा। वो क्या करता है, तो वो वहाँ पर रोने लगता है। उसने चिल्लाकर कागज़ को वापस बुलाना चाहा। वो क्या करना चाहता है, तो वह चिल्लाकर अपने वो जो कागज़ थे उनको वापस बुलाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही रुक गई। पर क्या होता है, तो उसकी जो आवाज़ थी वो गले में ही अटक जाती है। वह कहना चाहता था, वो क्या कहना चाहता था, कि अब मैं कभी कागज़ की बर्बादी नहीं करूँगा। वो क्या कहना चाहता था, वो कहना चाहता था कि अब मैं अब कभी भी कागज़ की बर्बादी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी आंखें खुल गई है। वो क्या कहना चाहता था, कि अब मैं कभी भी कागज़ की बर्बादी नहीं करूँगा, मुझे तुम लोग माफ़ कर दो, और अब मेरी आंखें खुल गई। आंखें खुल जाना यानी कि समझ में आ गया है कि मुझे कागज़ की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा उसे समझ में आ गया है, और वो कागज़ों को ऐसा कहना चाहता था। सचमुच अतीश की आंखें खुल चुकी थी। सचमुच क्या हो गया था, सचमुच अतीश की जो आंखें हैं जो उसके समझ में आ गया था। वह जाग गया और उसने प्रण लिया, और इतना जब उसकी आँखें सब सचमुच खुल गई, तो वो क्या हो जाता है, तो वो सपने से जाग जाता है, और वो उसने प्रण लिया। तो वो क्या करता है, उसने प्रण यानी कि वो संकल्प करता है किया कि अब वह कागज़ जैसे अमूल्य चीज़ों को कभी बर्बाद नहीं करेगा। वो क्या करता है, वो सपने से बाहर आ जाता है और जाग जाता है, वो प्रण लेता है यानी कि वो संकल्प करता है कि अब वो कभी भी कागज़ जैसी अमूल्य यानी अमूल्य का के अनमोल जो कागज़ जैसी अनमोल चीज़ें हैं उनको कभी भी बर्बाद नहीं करेगा। तो इसी तरह इस कहानी में जो अतीश नाम का लड़का था जो कागज़ की बर्बादी करता था, उसे कागज़ ही खुद ऐसा सबक सिखाते हैं जैसे उसको अपनी गलती समझ में आ जाती है, और वो संकल्प करता है कि अब वो आगे से जो कागज़ जैसी अमूल्य यानी कि अनमोल चीज़ों को बर्बाद नहीं करेगा। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारी कहानी है वो यहाँ पर पूरी होती है। उसके बाद आएगा हमारे शब्द के अर्थ। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो हमें
जो शब्द कहानी में दिए गए हैं उनके कुछ शब्दों के अर्थ हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा बर्बादी, तो बर्बादी का अर्थ होगा तबाही, विनाश, नष्ट, नष्ट का अर्थ होगा समाप्त, वास्तव, वास्तव का अर्थ होगा सचमुच, सुलेख यानी कि सुंदर लेख, पंक्तियाँ यानी कि लाइनें, सपना तो सपना, व्यथा तो दुखड़ा, कष्ट तो कष्ट का अर्थ होगा पीड़ा, निर्णय, निर्णय का अर्थ होगा फैसला, केमिस्ट, केमिस्ट का अर्थ होगा दवाई बेचने वाले की दुकान, प्रण यानी कि संकल्प, अमूल, अमूल्य यानी कि अनमोल। तो इसी प्रकार हमें जो शब्द दिए गए उसके क्या अर्थ होते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो बर्बादी का होगा तबाही, विनाश, नष्ट का होगा समाप्त, वास्तव का होगा सचमुच, सूले का होगा सुंदर लेख, पंक्तियाँ का होगा लाइने, सपना का होगा सपना, व्यथा का होगा दुखड़ा, कष्ट का होगा पीड़ा, निर्णय का होगा फैसला, केमिस्ट का होगा दवाई बेचने वाले की दुकान, प्रण का होगा संकल्प, अमूल्य का होगा अनमोल। उसके बाद आएंगे हमारे मुहावरे। तो मुहावरे में हमें क्या करना है, तो मुहावरे में भी हमें जो शब्द मुहावरा दिया गया है उसका क्या अर्थ होता है वो हमें यहाँ पढ़ना है। बरस पड़ना, बरस पड़ना का अर्थ होगा गुस्सा करना, घर को सिर पर उठा लेना उसका अर्थ होगा बहुत शोर करना, आंखें खुलना तो समझ में आ जाना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो मुहावरे दिए गए उसका क्या अर्थ होता है वो हमें यहाँ जानना है। तो बरस पड़ना का होगा गुस्सा करना, घर को सिर पर उठा लेना यानी कि बहुत शोर करना, और आंखें खुलना यानी कि समझ आना। तो यहाँ पर हमारे शब्द और मुहावरे यहाँ पर पूरे होते हैं। थैंक यू बच्चों।